जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2021 मैच नंबर 20 सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच महामुकाबला। आप सभी को बता दें, शानदार शुरुआत करी है दिल्ली कैपिटल्स ने, लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत बड़ा झटका दिल्ली कैपिटल्स को इस मैच में लगने वाला है, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए 159 चार विकेट के नुकसान पर बनाया है। दोस्तों आप सभी को बता दें, ये मैदान है MH चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई का, जहां पर 140 से 150 डिफेंड कर लिया जाता है आसानी से। मुंबई इंडियंस ने दो मुकाबले इसी मैदान पर जीते थे, जहां एक मुकाबला बनाया था 152 और एक मैच बनाया था 150, उसको डिफेंड करके अच्छी खासी जीत हासिल करी थी। तो क्या दिल्ली कैपिटल्स भी वैसी वापसी करेगी, क्योंकि दोस्तों इनके पास गेंदबाजी के लिए दो ऐसे गेंदबाज आज के मैच में मौजूद हैं जो इतिहास रच चुके हैं। एक है रविचंद्रन अश्विन, दूसरा है अक्षर पटेल। आपको याद होगा दोस्तों, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की वो सीरीज जिसमें इन दोनों ने ऐतिहासिक गेंदबाजी करी थी और सभी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया था। आपको बता दें दोस्तों, फर्स्ट इनिंग का पूरा हाल कि कैसे दिल्ली कैपिटल्स ने इतनी अच्छी खासी रनों की बढ़त बनाई हुई थी, जो 170-180 आसानी से जाता, लेकिन उसके बावजूद 159 पर समेट के रह गई और चार विकेट भी खो दिए थे। चारों विकेट कैसे खोए और कितनी कैच छूटी, ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले टॉस की बात करते हैं। टॉस जीता दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने। इस सीजन इनका साथ तो दोस्तों टॉस भी दे रहा है, किस्मत पूरी इनके साथ, जिसकी वजह से ऋषभ पंत शानदार टॉस जीतने के बाद अपना जो मन के मुताबिक फैसला होता है वो लेते नजर आते हैं, जैसे अगर इनको बल्लेबाजी करनी है या गेंदबाजी करनी है, तो इनको पूरा क्लियर रहता है, तो ये गेंदबाजी बल्लेबाजी में चूज करते हैं। आज के मुकाबले में इन्होंने बल्लेबाजी करना पसंद करा, क्यों? क्योंकि नतीजा ये है कि अगर आप शुरुआत में अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, गेंद एकदम कड़क रहती है, उसके बाद पिच पर ओस नहीं होती, तो उसकी मदद से आप अच्छे खासे रन को स्कोर कर लेते हैं, बाद में उनको डिफेंड भी कर लेते हैं। और सबसे बड़ा यहाँ पर बदलाव दोस्तों प्लेइंग 11 में, दोनों ही प्लेइंग 11 में नजर आया। SRH की प्लेइंग 11 में दोस्तों हमने देखा किस प्रकार से आज के मुकाबले में जगदीशा सुचित को खिलाया, और वहीं दूसरी तरफ आज अक्षर पटेल को खिलाया दिल्ली कैपिटल्स ने, जहां पे हम सभी ने देखा दोस्तों कि मनीष पांडे को तो बाहर ही कर दिया है, जहां एक तरीके से टीम ने। और आज के मुकाबले में भुवनेश्वर कुमार भी नहीं खेले SRH की तरफ से। दूसरी तरफ हमने देखा दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से ईशांत शर्मा, अजिंक्य रहाणे, इनमें से किसी को भी मौका नहीं मिल रहा है। वहीं ऑलराउंडर खिलाड़ी क्रिस वॉक्स, जो पिछले कुछ मुकाबले में अच्छी पारी भी करे थे, उनको भी मौका नहीं मिला। ललित यादव की जगह आज यहां पर अक्षर पटेल को खिलाया गया है। अक्षर पटेल को अभी तक COVID-19 हो रखा था, पॉजिटिव थे, तो अकेले क्वारंटाइन सेशन में कोरोना काल के जितने भी नियम हैं उन प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सारी दवाइयाँ ली, फिर उसके बाद जब इनकी सेहत ठीक हो गई, नेगेटिव आए, उसके बाद जो नेगेटिव आने के बाद जो इनका क्वारंटाइन सेशन था उसको ध्यान में रखते हुए जब वापसी करी है टीम में इसने, तो इनको टीम में खिलाया गया। अगर ये शुरुआत से होते तो उनको शुरुआत से मौका मिलता, ललित यादव को नहीं खिलाया जाता, ललित यादव सिर्फ बैकअप के रूप में थे। अब अक्षर पटेल की वापसी कितनी कारगर रहेगी ये मैच साबित कर देगा, क्योंकि ये चारों ओवर गेंदबाजी करते नजर आ सकते हैं। पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई दिल्ली कैपिटल्स की टीम पृथ्वी शॉ ने 39 गेंद पर 53 रन की एक शानदार पारी खेली, 7 चौके 1 छक्के की मदद से। शुरुआत की थी 15 गेंदों पर दोस्तों, उसने ताबड़तोड़ पारी खेली थी, जहां पर करीब 200 का स्ट्राइक रेट चल रहा था, लेकिन दूसरे छोर से शिखर धवन बस इनका शो देख रहे थे, क्योंकि वो सिंगल डबल में बात कर रहे थे और क्रीज चेंज करके सामने बार बार पृथ्वी शॉ को ला रहे थे। एकमात्र ऐसे खिलाड़ी पृथ्वी शॉ दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से जिसने इस मुकाबले में एक अर्धशतकीय पारी खेली। पृथ्वी शॉ का शो सुपरहिट साबित हुआ और शिखर धवन और पृथ्वी शॉ की जोड़ी दोस्तों शानदार रही। जो टीम को शुरुआत चाहिए होती है हर किसी को, पावर प्ले और 10 ओवर के अंदर, वो शुरुआत दिल्ली कैपिटल्स के इन दो धुरंधर बल्लेबाजों ने दिलाई। ऑरेंज कैप अभी तक सर का ताज बढ़ा रही है, शोभा बढ़ा रही है शिखर धवन की, और आज के मुकाबले में भी 28 रन की पारी खेली। 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर दिल्ली कैपिटल्स का पहला विकेट गिरा था 81 रन पर, वो विकेट था शिखर धवन का। शिखर धवन का विकेट यहां पर राशिद खान ने लिया था, गलती कर दिए थे राशिद खान की गेंद पर आगे बढ़ के खेले थे, लेकिन वो गेंद जाकर विकेट में लगी, जिसकी वजह से पहला विकेट शिखर धवन के रूप में खोया। लेकिन यहां पर पहला विकेट खोते ही दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि आप अच्छे स्कोर करके चलते हैं शुरुआत से, लेकिन जैसे ही आपका पहला विकेट गिरता है तो उसके बाद हम देखते हैं लगातार ताश के पत्तों की तरह एकदम टीम पूरी तरीके से ढह जाती है। तो कुछ वैसे ही हमें दिल्ली कैपिटल्स के साथ देखने को मिला, जैसे ही पहला विकेट शिखर धवन का गिरा, उसकी तीसरी चौथी गेंद पर ही हमने देखा, यानी 11वें ओवर की तीसरी पर ही 84 रन, यानी 81 रन पर पहला विकेट आया था और 84 रन पर पृथ्वी शॉ का दूसरा विकेट आया। तो दो बड़े झटके एक साथ लग गए थे, दो सेट बैट्समैन वापस जा रहे थे, लेकिन अब टीम के सामने चुनौती ये थी कि जो लास्ट के बल्लेबाज बचते हैं, जिनमें ऋषभ पंत को भी आप जोड़ लीजिए, वैसे तो मिडिल ऑर्डर में आते हैं, लेकिन 10 ओवर बचे थे, इतनी ज़्यादा गेंदें नहीं बची थी, कम से कम 60 गेंदों में 80 रन की अगर ये भी पारी खेलते तो 160 दोस्तों अब स्कोर दिख ही रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कहते हैं कि अगर आपने शुरुआत में 10 ओवर में 80 रन बना दिए हैं, तो कोशिश करिए लास्ट के 10 ओवर में कम से कम 100 रन तो बटोर लीजिए, जिसकी वजह से आपका स्कोर 180 के आसपास रहे। लेकिन चेन्नई की पीछे शुरुआत में गेंद एकदम कड़क रहती है, वहां पर गेंद कड़क आती है बल्ले पर, जिसकी वजह से आप अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं, जहां पर आप अच्छी मदद के साथ अच्छा बल्लेबाजी शुरुआत में कर पाते हैं, लेकिन वही हमें लास्ट में नहीं देखने को मिलता है।
तो यही हमें देखने को मिला जब ऋषभ पंत और स्टीव स्मिथ बल्लेबाजी करने के लिए आए तो 27 गेंदों में 37 रन की पारी ऋषभ पंत ने खेली, 4 चौके 1 छक्के आए। ये वही पंत हैं जो ज़्यादा छक्के मारते हैं चौके कम मारते हैं, लेकिन आज के मुकाबले में ग्राउंड बड़ा था, चेन्नई का मैदान था और गेंदबाजी बहुत टाइट हो रही थी। हैदराबाद की गेंदबाजी लाइनअप तो दोस्तों वैसे भी बहुत खतरनाक रहती है। सिद्धार्थ कोहली ने ऋषभ पंत का विकेट लिया था, सुचिता ने इनका विकेट कैच पकड़ा था दोस्तों, जगदेशा जो अपना पहला मैच खेला है सारेज की तरफ से। लेकिन दूसरे छोर पर अभी भी स्टीव स्मिथ नाबाद थे। अब शिमर और हेडपायर आए थे दोस्तों यहां पर ऋषभ पंत के आउट होने के बाद। 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर जब टीम का स्कोर 142 हो गया था तब ऋषभ पंत आउट हुए थे। यानी कि आप देखें तो लास्ट की 10 गेंदों पर टीम ने बटोरे कुल मिला के यहां पर करीब करीब 15 से 17 रन, जो ज़्यादा नहीं होते दोस्तों, 10 गेंदों में 15 से 17 रन, वो भी लास्ट की, बहुत ज़्यादा नहीं होते। कम से कम उन 10 गेंदों में आप 25 रन बटोरे तो कहीं ना कहीं वो आपको लास्ट में जीत दिलाते हैं। इससे पहले जो मुकाबला हुआ था वो आपने देखा होगा दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस बैंगलोर का, जहां आखिरी ओवर में रविंद्र जडेजा ने 37 रन मार के टीम का स्कोर जो 160 या 170 लग रहा था उसको 191 पहुंचा दिया था, जिसकी वजह से सामने वाली टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो बल्लेबाजी वाली टीम भी पूरी तरीके से सकबका गई, क्योंकि इतना बड़ा लक्ष्य का पीछा करते हुए हर कोई कंफ्यूज हो ही जाता है कि कैसे करें बल्लेबाजी। अगर धीमी गति से करें, रन बचाकर, गेंद बचाकर खेलें तो आपका रिक्वायर्ड रेट बढ़ जाता है, अगर आप रिक्वायर्ड रेट की तरफ ध्यान नहीं दें तो आपका खुद का इंडिविजुअल का स्कोर गिर जाता है। तो यही हाल कुछ यहां पर दिल्ली कैपिटल्स का भी रहा था लास्ट में, लेकिन दोस्तों जिस प्रकार की शुरुआत हुई थी उस प्रकार का अंत नहीं हुआ। लेकिन फिर भी 159 का स्कोर बिल्कुल अच्छा माना जाएगा क्योंकि जिस हिसाब की पिच है। और अब गेंदबाजी की बात की जाए तो यहां पर दिल्ली कैपिटल्स के पास गेंदबाज हैं अक्षर पटेल हैं, रविचंद्रन अश्विन हैं और अमित मिश्रा हैं। ये तीनों गेंदबाज अपनी स्पिन गेंदबाजी से बहुत परेशान करने वाले हैं। ये 12 ओवर बहुत खतरनाक होने वाले हैं दोस्तों एसआरएच के लिए। इन 12 ओवर को किसी तरीके से निकालना चाहेगी एसआरएच की टीम। हो सकता है कि आज बहुत बड़े लक्ष्य से जीत हासिल करे दिल्ली कैपिटल्स। हो ये भी सकता है कि सिर्फ जॉनी बेस्टो, डेविड वॉर्नर और कैन विलियमसन ही मिलकर ये रन बना दे, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा बल्लेबाज भी एक्सपीरियंस बचते नहीं हैं। अगर आप देखें तो विराट सिंह बचते हैं, विजय शंकर बचते हैं, अभिषेक शर्मा और केदार जाधव। केदार जाधव को अभी तक हमने सीजन खेलते नहीं देखा है। अभिषेक शर्मा को मौका मिला था, वो जल्दबाजी में शॉट गलत खेलकर आउट हो गए थे। विजय शंकर अभी तक कमाल सिर्फ बैट से नहीं दिखा पाए, गेंद से कमाल दिखाया है। और दूसरी तरफ विराट सिंह दोस्तों, इनसे क्या ही उम्मीद करें। ये खिलाड़ी जिस नाम का यानी विराट कोहली के नाम का आगे का विराट ले रखा है, तो आपको लगता है क्या बल्लेबाजी वैसी करेगा? उम्मीद यही करेंगे कि वैसी ही बल्लेबाजी करे, एसआरएच के फैंस को निराश ना करे। और एक हमें कड़क मुकाबला देखने को मिले दोस्तों, अभी तक आईपीएल के ये 20वां मैच चल रहा है और 20वें मैच में अभी तक एक भी सुपर ओवर या ऐसे क्लोज मुकाबला नहीं देखने को मिला है जो आखिरी गेंद पर सांसें रोक देने वाला हो, दिल की धड़कनें रोक देने वाला हो। उम्मीद करेंगे इस मुकाबले से कि ये मुकाबला ऐसा ही हो। बात करें अगर दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल की, दोनों ही टीमें दोस्तों अच्छी पोजीशन पर ज़्यादा नहीं दिख रही है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स भले ही 4 में से 3 मुकाबले जीती हो, लेकिन जैसे जैसे सीज़न बढ़ेगा अगर इनकी टीम की यही मुश्किलें रहीं, यही दिक्कतें रहीं, तो ये धीरे धीरे नीचे आती जाएंगी, क्योंकि उसके बाद मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स भी लाइन में हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें हैदराबाद की तो 4 में से 1 ही मैच जीती है। यहाँ दूसरा मैच अच्छे रन रेट से जीतने के साथ साथ ये 5वें नंबर पर जगह बनाने चाहेगी, 5वें पे ही क्यों दोस्तों 4थे पर जगह बनानी चाहेगी, क्योंकि ये टीम का अगर रिक्वायर्ड रन, अच्छा जो नेट रन रेट है, अगर वो अच्छे मार्जिन से जीती तो यहाँ पर चांसेस बनेगा 4थे पर आ जाए। तो देखते हैं दोस्तों 160 रन कितनी जल्दी चेस करती है हैदराबाद की टीम। गेंदबाजी में कोई कमी नहीं दिल्ली कैपिटल्स की, और बल्लेबाजी में यहाँ पर शुरुआत के 3 एक्सपीरियंस प्लेयर पर बहुत दारोमदार रहेगा, उसके बाद सारे युवा खिलाड़ी हैं, और युवा खिलाड़ी क्या करते हैं आज के मुकाबले में ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।